नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। अभी अभी सुपर अस्पताल का विधिवत उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई रीवा शहर की 3 प्रतिभाशाली बच्चियां मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, उनमें से एक बच्ची ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, वहीं एक ने 6वां, तीसरी ने 10वां। हम तीनों बच्चियों से बात करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश का बनना वाकई में अपने आप में बड़ी बात है। किस तरीके से आपने तैयारी की थी और आज ब्रांड एम्बेसडर बनकर कैसा लग रहा है? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने हमको रीवा ज़िले का ब्रांड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ब्रांड हो गया। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे रीवा ज़िले का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये बताइए, जैसा कि अभी आप कक्षा 10 में हैं? नहीं, 12th में। उसके बाद आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? अभी तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिलहाल। ग्रेजुएशन के बाद मुझे IAS बनना है, इसके लिए तैयारी करना है। और हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी से, शिवराज सिंह चौहान माननीय जी से बोले हैं कि IAS की कोचिंग के लिए जो भी शुल्क लगता है वो हमें देने की, मतलब मदद करने के लिए हम बोले हैं। उन्हें क्या क्या मुख्यमंत्री ने बोले हैं, मतलब आश्वासित किए हैं हमें देने के लिए? एक ही सपना है, IAS बनना है। अभी तक जो हमने कीर्तिमान स्थापित किया इसको आगे भी बरकरार रखेंगे और IAS की तैयारी के लिए हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है और किस तरीके से आपने पढ़ाई की थी? मेरा नाम अदिति शुक्ला है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, बायो ग्रुप से थी। मैंने परीक्षा के लिए अपनी बहुत तैयारी की थी और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिला और अब मैं उसकी आगे नीट की तैयारी के लिए जुटी हुई हूँ। नीट की तैयारी कर रहा है, मेहनत का फल मिला और निश्चित रूप से जब सफलता का श्रेय अच्छे से दिया जाए तो अच्छा लगता है। क्या नाम है और किस तरीके से आपने पढ़ाई की, पूरा बताइए। मेरा नाम अपर्णा गुप्ता है, मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई पर विश्वास लगा और रटने के हिसाब से नहीं, मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से पढ़ाई की और उसका फल भी मुझे मिला। आगे की क्या योजना है? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और आप सभी ने मुझे ये सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की इच्छा है IAS बनेंगे तो किसी की डॉक्टर, कोई नीट की बात कर रहा है। ये तीनों बच्चियों ने जिस तरीके से रीवा का नाम रोशन किया वो अपने आप में काबिले तारीफ की बात है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।